हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैक एंड वेलकम टू मुकेश मैक यूट्यूब चैनल। सो आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है टॉप 10 वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग मिस्टेक्स। सो अगर आप एक एडिटर हो, अगर आप एक एल्बम डिजाइनर हो या फिर एल्बम डिजाइनिंग सीख रहे हो, तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम एडिटर्स और एल्बम डिजाइनर्स करते आ रहे हैं। सो मिस्टेक्स के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिस्टेक्स बताऊंगा कि ये मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको उस मिस्टेक्स का एक प्रोफेशनली सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको भी पता चलेगा कि इसमें से जो मिस्टेक्स आप करते आ रहे हो उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है। सो वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारी जो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है वो है बॉर्डर। बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी बॉर्डर डाल रहे होते हैं किसी भी शेप को या फिर किसी भी टेक्स्ट को, तो किसी भी कलर की बॉर्डर डालते हैं। तो जो बॉर्डर डालने का परफेक्ट वे है, परफेक्ट कलर कैसे चूज करना चाहिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक PSD फाइल ओपन करी है। ये कोई मेरा डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए सैंपल के लिए ओपन किया है और सैंपल के लिए यहाँ पे फोटोज ऐड करे। अब देखिए, यहाँ पे ये फोटो है, इसके शेप के ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से उसको बॉर्डर दे रहा हूँ, मतलब स्ट्रोक दे देता हूँ। ये देखिए, अभी ये जो कलर है ये ब्लू है। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है। तो प्रॉपर कलर कैसा होना चाहिए, देखिए आप जब भी बॉर्डर लगा रहे हो तो उस बॉर्डर का कलर वही होना चाहिए जो कलर ऑलरेडी उस फोटोज़ के अंदर है। फोटोज के अंदर मैंने बोला, डिज़ाइन के अंदर नहीं। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और वही कलर लेता हूँ जो ऑलरेडी फोटो के अंदर है। देखिए, ये ड्रेसिंग का कलर ले रहा हूँ, ये भी मैच हो रहा है। अब मैं स्किन का कलर लेता हूँ, ये भी मैच हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हल्का सा ड्रेसिंग का कलर लेता हूँ, देखिए ये वाला ब्राउन कलर, ये भी मैच हो रहा है। उसके बाद में आपको ओपेसिटी वगैरह भी कम ज़्यादा करने पड़ेगी यहाँ से, बट ये मैच्ड लगेगा। अब इसके ऊपर वापस क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा हेयर्स का भी कलर लेता हूँ तो भी वो भी मैच्ड लगेगा। या फिर मैं बैकग्राउंड का ग्रीन कलर लेता हूँ, देखिए ये भी मैच्ड लग रहा है। तो आपको क्या करना है, यही चीज़ करनी है, वही कलर का बॉर्डर देना है जो ऑलरेडी उस फोटो के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पे सेम चीज़ मैं आपको राइट साइड में दिखाता हूँ। ये देखिए, राइट साइड में आ रहा हूँ, यहाँ पे भी एक फोटो है। फोटो के शेप के ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं स्ट्रोक लगाता हूँ। यहाँ पे भी पर्पल कलर है और ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है। अब मैं प्रॉपर कलर वही चूज़ करूँगा जो ऑलरेडी वहाँ पे ड्रेसिंग के अंदर है। देखिए, यहाँ से रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, मैच हो रहा है। ड्रेसिंग के ऊपर कर रहा हूँ, मैच हो रहा है। हेयर्स के ऊपर कर रहा हूँ, वो भी मैच हो रहा है। पीछे की दीवार के ऊपर कर रहा हूँ, वो भी मैच हो रहा है। तो हर वो कलर आपको मैच होगा जो आपके फोटो के अंदर है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि वो कलर मैक्सिमम अवेलेबल होना चाहिए। कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ छोटी चीज़ के ऊपर है और आपने उस कलर का बॉर्डर लगा लिया तो वो मैच्ड नहीं लगेगा। सो गाइस, हमारी जो सेकंड कॉमन मिस्टेक है वो है अलाइनमेंट। अब एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अलाइनमेंट का मीनिंग देखा जाए तो बहुत ही डीप है। अब मैं सिर्फ आपको यही बताने वाला हूँ कि अलाइनमेंट का किस तरीके से आपको ध्यान रखना है वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग के अंदर। अलाइनमेंट मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपने चीज़ वहाँ पर प्लेस करी है, वो शेप हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर रहेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा कि यहाँ से रहेगा कि यहाँ से रहेगा, इसी को आप अभी के लिए अलाइनमेंट का मीनिंग समझ सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर ये दो बॉर्डर्स हैं, मतलब दो शेप्स हैं, यहाँ पे एक शेप है और ये एक शेप है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पे एक शेप ऐड करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं शेप ऐड कर रहा हूँ, इसका शेप का प्लेसमेंट यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखते ही आपको पता चलेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसका अलाइनमेंट कैसे रखूँगा, देखिए अब आप जब भी कोई शेप या फिर टेक्स्ट ऐड करते हो तब उसको आपको किसी भी डिज़ाइन के, किसी भी शेप के या फिर किसी भी टेक्स्ट के या फिर किसी भी फोटो के एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। मतलब अभी इस शेप को अगर मुझे रखना है तो मैं एक तो इस लाइन में रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर इसके लाइन में रख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे रखूँगा तो ये मैच्ड लगेगा। अब मैं इसको इस तरीके से डालूँगा कि इसका अलाइनमेंट इससे भी मैच होगा और इससे भी मैच होगा। ये देखिए, यहाँ पे अब ये थोड़ा सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये इसके भी स्ट्रेट लाइन में और इसके भी स्ट्रेट लाइन है। अब मैं यहां पे आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूं। अब देखिए, यहां पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया है। अब देखिए, टेक्स्ट को यहां से थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं, देखो यार ये मैच नहीं लग रहा है, क्योंकि ये किसी भी चीज की स्ट्रेट लाइन में नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको या तो इसके लाइन में रखूंगा, ये देखिए कुछ भी ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट के लिए या फिर शेप के लिए ध्यान में रखना है, कुछ भी डिज़ाइन ऐड करो तो वो ध्यान रखना। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसका जो लेफ्ट साइड है, मतलब ये लाइन है, ये इसके स्ट्रेट लाइन में रखूँगा और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो इसके लाइन में रखूँगा। ओके,
और ये जो एंडिंग पॉइंट है वो इस डिज़ाइन के लाइन में रख रहा हूँ, तो ये अभी एकदम परफेक्ट लग रहा है, आप देख सकते हो ये मैच भी कर रहा है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हो, इमेज ऐड कर रहे हो, शेप ऐड कर रहे हो, तब आपको किसी भी चीज़ के स्ट्रेट लाइन में ऐड करना है, तब वो ज़्यादा बेटर लगेगा। सो गाइस, हमारी जो थर्ड कॉमन मिस्टेक है वो है प्लेसमेंट ऑफ कैंडिड फोटोज। बहुत लोग क्या करते हैं, वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग के अंदर कैंडिड फोटोज को इग्नोर कर देते हैं, मतलब कैंडिड फोटोज को कॉम्प्रोमाइज कर देते कि कहाँ पर डालना है या फिर कहीं पर भी डाल देते। तो आपको ध्यान रखना है कि कैंडिड फोटोज को किस तरीके से सही से डालना है। अब एक्चुअली ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप डिजाइनिंग का भी पॉइंट समझ सकते हो या फिर शूट का भी पॉइंट समझ सकते हो। आप जब शूट करने जा रहे हो तब आपको क्या करना है, हर विधि के अंदर या फिर हर रस्म के अंदर आपको उनके फैमिली में के किसी भी पर्सन के कैंडिड फोटोज को शूट करना है। फिर क्या करना है, उस रस्म का जब आप पेज बना रहे हो तो उस पेज के ऊपर हर फैमिली मेंबर का एक एक आपको कैंडिड फोटो जो है वो अटैच कर लेना है, वो भी बिग साइज के अंदर। अब इसका मीनिंग क्या है या फिर ये ऐसा क्यों करना है वो देखिए। देखिए, जब भी आप एल्बम डिजाइनिंग करते हो और जब आपके सभी क्लाइंट, मतलब समझो आपने मेरे वेडिंग का एल्बम बनाया है, तो जब भी मेरे घर वाले सभी लोग मिलकर उस एल्बम को देख रहे होंगे तो उस टाइम पे उन्हें तब तक वो एल्बम पसंद नहीं आएगा जब तक वो खुद उस एल्बम में नहीं देखेंगे। अब समझो मेरा भाई बैठा हुआ है और उसके साथ साथ मेरी बहन भी बैठी हुई है, तो मेरी बहन को एल्बम तभी अच्छा लगेगा या फिर तभी वो इम्प्रेस होगी कि जब वो खुद उस एल्बम के अंदर दिखेगी, या फिर मेरा भाई या फिर मेरे भाई को तब वो एल्बम पसंद आएगा जब वो खुद उस एल्बम के अंदर दिखेगा। तो आप क्या करते हो, जब भी एल्बम डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता है कि उसके फैमिली मेंबर कौन है, उसके रिलेटिव्स कौन से, तो आप किसी भी तरीके से एल्बम डिजाइनिंग करते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जान लेना है कि फैमिली मेंबर कौन से, उनके फोटोज को अलग अलग कर देना है, फिर हर पेज के ऊपर एक एक कैंडिडेट फोटो ऐड करना है। बट ऐसा नहीं है कि हल्दी के पेज के ऊपर आपने वेडिंग का डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। हल्दी के पेज के ऊपर हल्दी का कैंडिडेट डालना है, समझो वेडिंग चल रहा है, हॉल का कोई मोमेंट है तो वहां पे हॉल का कोई कैंडिडेट डालना है, उससे वो मैच भी हो जाएगा और हर पेज पर फैमिली मेंबर में से कोई एक पर्सन इंप्रेस हो जाएगा और सबको आपका एल्बम पसंद आ जाएगा। अब देखिए, आपका जो क्लाइंट है उसको डिजाइनिंग, रिटचिंग, कलर करेक्शन इसमें का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होते हैं फोटोज। वो खुद उस फोटो के अंदर दिखने चाहिए तभी उनको वो फोटो पसंद आने वाला या फिर वो आपका एल्बम डिजाइनिंग पसंद आने वाला है। अब इस टाइम पे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें तो पता नहीं होता है कि कस्टमर का फैमिली मेंबर कौन है, तो कस्टमर को पहले ही बोल देना है कि जब आप फोटो सिलेक्शन कर रहे हो तब आप क्या करना, क्लोज फैमिली मेंबर्स का फोटो अलग कर देना। अब मुझे भी पता है कि फोटो सिलेक्शन करते टाइम पे बहुत अलग अलग दिक्कतें आती है, तो अब मैं आपको एक ऐसे ऑनलाइन फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसके अंदर आपकी फोटो सिलेक्शन की सारी दिक्कतें 100% सॉल्व हो जाएगी। द पिक्स स्टूडियो प्रो, द ऑनलाइन फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर, ये एक बहुत ही अच्छा फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर है। मैं भी पर्सनली इसको अभी मतलब लेटेस्ट एक महीने से यूज कर रहा हूं, सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा बेटर है। ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही इजी टू यूज है। उसी के साथ साथ जब आप क्लाइंट को फोटोज भेज रहे हो तो क्लाइंट इसके अंदर कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, उसी के साथ साथ किसी भी फोटोज को डाउनलोड भी नहीं कर सकता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है 100% इंडियन है, तो इसमें सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी इसको कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर एंड्रॉइड फोन में इजीली इंस्टॉल करके यूज कर सकता है। तो इस जो सॉफ्टवेयर का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। इसका आप एक फ्री डेमो अकाउंट निकाल सकते हो जिसको आप यूज भी कर सकते हो, बट इसका जो फ्री डेमो अकाउंट है इसके अंदर काफी ज्यादा लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ 100 फोटोज ही अपलोड कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इसका एक प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल करते हो तो उसका जो चार्जेस है वो है 999, जो कि आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो ये जो ऑनलाइन फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर है इसको कैसे यूज करना है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरे नाम का कूपन कोड यूज करते हो मुकेश मैक, तो आपको यहां पे फ्लैट ₹150 का डिस्काउंट मिलेगा एक साल का, मतलब लगभग आपको ₹750 के अंदर पूरे एक साल का यहां पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसॉल्व फोटोज इन बैकग्राउंड। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी भी कलर का फोटो या फिर किसी भी बैकग्राउंड का फोटो किसी भी कलर के पेज के ऊपर डाल देते और जो साइड का एरिया उसको मास्क कर देते या फिर उसको इरेज कर देते और उसका कलर और बैकग्राउंड का कलर मैच नहीं होता है और वो जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक फोटो ओपन किया, अब इसको मैं मास्क कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ऐड लेयर मास्क पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, आपने भी किया होगा शायद, बट आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो इस बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा है ना, तो आपको किस तरीके से उस फोटोज को प्लेस करना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले उसका उस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वही लेना है जो आपके फोटो का बैकग्राउंड है। मैं क्या करूँगा,
नीचे आ रहा हूँ और यहाँ से एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ, मतलब बैकग्राउंड पे, और वो कलर ये वाला ले लेता हूँ। कौन सा? ये कलर। मतलब मैंने उसी कलर का बैकग्राउंड लिया जो कलर ऑलरेडी उस फोटो के अंदर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन के लिए सबसे पहले फोटो का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, मतलब उस पेज के ऊपर जो फोटो डालने वाला उस फोटो का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से उस पेज का कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने कलर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोटो को मास्क कर देता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं उस फोटो को रिकवर कर देता हूँ। आप इसका अपोजिट प्रोसेस भी कर सकते हो, सीधा मास्क के ऊपर क्लिक करके। अब आप देखिए, अब देखिए ये जो फोटोज है बैकग्राउंड से किस तरीके से मैच कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और 100% मतलब बैकग्राउंड के अंदर मर्ज हो चुका है। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है वो करना है। अब आप बोलोगे कि यार लेफ्ट साइड में फोटो अलग होगा तो राइट साइड में अलग होगा, तो क्या करेंगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये कलर का फोटो है, अब मैं इस मास्क को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने राइट साइड में एक ऐसा फोटो ऐड किया जिसका बैकग्राउंड कलर अलग है, फॉर एग्जांपल ये फोटो ऐड किया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों जगह अलग अलग अच्छा तो नहीं लगेगा। देखिए सॉलिड कलर का लेयर डिलीट कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ से ले रहा हूँ ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या होता है, किसी भी दो कलर को, तीन कलर को, आप तीन कलर का शेड बना सकते हो। अब मैं यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से मैं इस कलर का बैकग्राउंड लेता हूँ और राइट साइड से, मतलब मैं राइट साइड से क्या करूँगा, राइट साइड के फोटो का बैकग्राउंड लूँगा। ये देखिए, ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोटो के ऊपर इस तरीके से एक लाइन खींच रहा हूँ। ये देखिए ग्रेडियंट बन चुका है, थोड़ा सा और अच्छे से करता हूँ। ये देखिए अब लेफ्ट साइड में अलग कलर है, राइट साइड में अलग है। मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ क्या हुआ है। देखिए इस तरीके से मैंने कलर बना लिया, फिर एक फ़ोटो ऐड किया, उसको मैं मास्क कर दूंगा। देखिए अब राइट साइड जो फोटो जो है उसको भी मैंने ऐड कर दिया, उसको भी मास्क कर दिया। अब देखिए किस तरीके से दोनों फोटोज मैच हो रहा है। इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमाना पड़ेगा, बट मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बेसिक तो पता ही होगी। देखिए अभी किस तरीके से दोनों फोटो जो है बैकग्राउंड के अंदर डिजॉल्व हो गए। अब आप बोलोगे यार ये तो आप सही बता रहे हो, बट हम लोग जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो करते हैं PSD फाइल से, तो उसके अंदर कैसे करना है बताता हूँ। देखिए दोनों फोटो को डिलीट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने लिया है ये डिज़ाइन। समझो आपके PSD फाइल के अंदर किसी भी कलर का डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल ये कलर का डिज़ाइन है। अब आप ऐड जो कर रहे हो फोटो उसका कलर अलग है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ऐड किया यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसका तो अलग है और इसका अलग है, तो हम क्या करें भाई। देखिए अब मैं जो बैकग्राउंड का लेयर है उसके ऊपर जा रहा हूँ, PSD फाइल जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके बैकग्राउंड के ऊपर जाना है, फिर प्रेस करना है Ctrl-U। क्या प्रेस करना है? Ctrl-U। उससे क्या हो जाएगा, आपके सामने ह्यू सैचुरेशन का टैब ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्लिक करना है कलराइज ऑप्शन के ऊपर, फिर क्या होगा, आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो एक कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। ये देखिए फिर उसका जो सैचुरेशन, ह्यू और लाइटनेस है आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए मैं इसका ह्यू चेंज कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा लेता हूँ। अब इसका जो कलर है इससे मैच कर लेता हूँ बैकग्राउंड से। देखिए हाँ, अभी ये थोड़ा सा सही लग रहा है, बट इसका सैचुरेशन थोड़ा कम है और इसका ज़्यादा लग रहा है, तो इसका सैचुरेशन थोड़ा कम कर देता हूँ। अब इसका लाइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब लाइट ज़्यादा लग रही है, इसमें लाइट कम लग रही है, तो लाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब देखिए डिज़ाइन वही है बट कलर मैच हो चुका है। अब मैं इस फोटो को मास्क करता हूँ। देखिए बिल्कुल 100% मैच हो चुका है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऐड टेक्सचर इन बैकग्राउंड। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं किसी भी प्लेन कलर का टेक्सचर डाल देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक वाइट कलर का पेज ले लिया या फिर ग्रे कलर का ले लिया, किसी भी के ले लिया, बट आप की कोई भी कलर ऐड करो बट उसके अंदर हल्का सा टेक्सचर मतलब डिज़ाइन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, सब लोगों को प्लेन कलर देख देख के बोर हो गए सब लोग। मतलब अब आप घर में देखोगे तो प्लेन कलर का वॉल होता है, ऑफिस में देखोगे तो प्लेन कलर का वॉल होता है, और फोटोज़ के अंदर आपको डिज़ाइनिंग करना है। डिज़ाइनिंग मतलब डेकोरेशन, जितना अच्छा डेकोरेट कर सकते हो उतना करना है, बट जितना कम डेकोरेट होगा उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। अब आप अगर पीछे कोई भी टेक्सचर ऐड कर रहे हो तो उसका ओपेसिटी आपको कम रखना है। कैसे ऐड करना है टेक्सचर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक PSD फाइल ओपन किया है, भले आप मैन्युअली डिज़ाइन कर रहे हो, PSD फाइल से कर रहे हो, ये डिज़ाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड के लेयर के ऊपर आ रहा हूँ। अब आप देख सकते हो इस बैकग्राउंड का जो लुक है बहुत ही सिंपल लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टेक्सचर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक ऐसा बैकग्राउंड ऐड करता हूँ जिसके ऊपर टेक्सचर होगा। अब मैं यहाँ से ये ऐड कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि यार इसका तो कलर चेंज हो गया, बताता हूँ। देखिए
वो टेक्सचर ऐड करने के बाद में जो उसका ब्लेंडिंग मोड है वो आपको कर देना है ल्यूमिनोसिटी, क्या जो सबसे लास्ट में होता है। उससे क्या हो जाता है, टेक्सचर तो वही रहेगा, उसका जो कलर है वो उसके नीचे जो लेयर है वो कलर का बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर टेक्सचर आ चुका है। अब हमको मैं बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, ये देखिए ये है बिफोर, ये है आफ्टर। अब आप बोलोगे यार पीछे का ऑरेंज कलर चला गया, निकालते उसको बाहर निकालते, ओपेसिटी थोड़ी कम करता हूँ। ये देखिए अब हल्का सा पीछे टेक्सचर दिख रहा है, हल्की सी डिज़ाइन दिख रही है, तो ये अच्छा लग रहा है। अब इसको डिलीट करता हूँ, अब दूसरा टेक्सचर डालता हूँ। अब आपको टेक्सचर ढूंढना नहीं है, पूरा ही बैकग्राउंड ही डाल देना है सीधा। ये बैकग्राउंड डाल दिया, अब इसका ब्लेंडिंग मोड क्या कर देंगे, करेक्ट क्या करेंगे, ल्यूमिनोसिटी। अब देखिए टेक्सचर एज इट इज लग रहा है, बट उसका ओपेसिटी कम रखना है। ये देखिए सॉल्व। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कवर पैड डिज़ाइन। बहुत लोग कवर पैड को इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए आपका जो डिज़ाइन रहता है उसमें से सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है कवर पैड। तो आप जब भी कवर पैड को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल लगना है। अगर आप कवर पैड के अंदर हार गए, मतलब कस्टमर को इंप्रेस नहीं कर पाए, तो आप पूरे डिज़ाइन के अंदर हार गए। अब आप किस तरीके से इसको डिज़ाइन करोगे, सबसे पहली चीज़ कलर को एकदम डिसेंट रखना है। कलर को हाई सैचुरेटेड भी नहीं रखना है और लो सैचुरेटेड भी नहीं रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, रेड कलर या फिर पिंक कलर, ऐसे अलग अलग कलरफुल कलर डाल देते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक्स क्या होती है, बहुत सारे लोगों को जो मतलब ज़्यादा सैचुरेटेड कलर होते हैं वो अच्छे नहीं लगते और बहुत सारे लोगों को पसंद आते भी है। और जो डल कलर रखोगे तो बहुत सारे लोगों को डल कलर जो है एकदम सिंपल लगता है और बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनल भी लगता है। तो आपको दोनों के बीच में रहना है, मतलब ज़्यादा लाइट कलर भी नहीं यूज़ करना है और ज़्यादा सैचुरेटेड भी कलर नहीं यूज़ करना है, मीडियम सैचुरेटेड कलर्स यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट, जो फॉन्ट्स यूज़ करना है वो अट्रैक्टिव रखना है। वो कर्सिव के अंदर रख सकते हो, कैलीग्राफी के अंदर रख सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिंपल मतलब किसी भी टाइप से कोई भी अच्छा फॉन्ट ले लेंगे, वहाँ पर टाइप कर लेंगे, या फिर ऑलरेडी PSD फाइल के अंदर जो दिया हुआ है वहाँ पे सिर्फ चेंजेस करके नाम चेंज कर देंगे। अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा खर्चा भी कर सकते हो। आपको पता होगा कैलीग्राफी आर्टिस्ट होते हैं, उनसे आप उनका नाम बना सकते हो। ज़्यादा नहीं, 200 मतलब 300-500 रुपए लेते होंगे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। उनसे आप बना के ले सकते हो, नाम जो है उसको और भी अच्छा बनाओ आप। अब आप बोलोगे कि यार अफोर्ड नहीं करते, कस्टमर इतना पैसा नहीं देता है। अब आपको सेकंड सॉल्यूशन बताता हूँ, मतलब थर्ड वे बताता हूँ आपको क्या करना है। जब भी आप कवर पैड डिज़ाइन करो तो उसके अंदर का जो कवर का फोटो है उसको एक नेक्स्ट लेवल एडिटिंग कर देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप डबल एक्सपोजर भी एडिटिंग कर सकते हो या फिर फोटोशॉप मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, बट वो नॉर्मल फोटो एडिटिंग से थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तब वो जाके कस्टमर को पसंद आने वाला है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। एक तो कैलीग्राफी में आपको जो कवर पैड का नाम है उसको डिज़ाइन करना है, या फिर 3D के अंदर बनाओ आप, मतलब टेक्स्ट का जो शेप हो 3D रखो, टेक्स्ट के अंदर कपल का फोटो डाल दो, या फिर इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करना है। डबल एक्सपोजर करो या फिर फोटोशॉप मैनिपुलेशन करो, बट कवर पैड के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देना है। और ये कवर पैड की बात करो फ्रंट वाले, बैक का जो है कवर पैड उस पर ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ता, मतलब ज़्यादा काम करना नहीं होता है, सिर्फ एक फोटो डाल देंगे कॉर्नर में, आप अपना लोगो वगैरह डाल दे तो काम हो जाता है। बट फ्रंट साइड के कवर पैड पर आपको ज़्यादा काम करना है, कलर्स को थोड़ा सा सही रखना है। सो गाइस अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैलेंसिंग। बहुत लोग जो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं वो लोग बैलेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है बता दो। अब जब भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हो तब आपका एक जो फुल पेज होता है उसका एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। अब लेफ्ट साइड के अंदर आप जो डिज़ाइन कर रहे हो उसी से मिलता जुलता डिज़ाइन आपके राइट साइड में होना चाहिए। देखिए अभी मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन ओपन कर लिया है, ये कोई मेरी डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ सैंपल के लिए मैं आपको PSD फाइल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है, और वही सेम डिज़ाइन यहाँ पे राइट साइड में बनाया हुआ है ऊपर। तो ये क्या है, यही है बैलेंसिंग। आपका जो लेफ्ट साइड है वो राइट से बैलेंस कर रहा है। अब ये और थोड़ा डीप में आपको समझाता हूँ। अब देखिए समझो मैं क्या कर रहा, डिज़ाइन करते टाइम पे यहाँ पे एक बैकग्राउंड पे समझो मैं एक सा शेप बना रहा हूँ। मैंने शेप बना लिया, कलर कौन सा रखोगे जो ऑलरेडी उस फोटो के अंदर वगैरह है वही कलर रखोगे तो ज़्यादा मैच्ड लगेगा। ये देखिए इसका ओपेसिटी कम रख रहा हूँ, ये आपने लेफ्ट साइड में बनाया। अब राइट साइड में भी आपको ऐसा कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, तभी वो डिज़ाइन बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कलर का बनाया, अब इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, अल्ट प्रेस करके खींच रहा हूँ, यहाँ पे रख सकते हो या फिर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे टेक्स्ट है तो वो ज़्यादा मैच नहीं लग रहा है, इसकी ओपेसिटी और ज़्यादा कम कर देता हूँ। ये देखिए देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक स्ट्रिप है और राइट साइड में भी एक स्ट्रिप है, तो ये डिज़ाइन जो है बैलेंस हो रही है। इसके साथ में और एक दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेक्स्ट डाला हुआ है और राइट साइड में भी एक टेक्स्ट डाला हुआ है, तो ये जो डिज़ाइन है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट डाल रहे हो लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में कुछ ना कुछ तो डालना है, फॉन्ट डालना है या फिर बड़े साइज में कुछ तो PNG डाल दो, क्लिप आर्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो। ऊपर समझो ऐसा शेप बना रहे हो तो नीचे भी ऐसा शेप बना लेना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड को ही राइट साइड से बैलेंस करना है, लेफ्ट साइड में आपने
एक स्ट्रिप डाला तो राइट साइड में भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या फिर समझो आप लेफ्ट साइड में आपके फोटो के अंदर रेड कलर ज़्यादा है तो आप राइट साइड में रेड कलर का डिज़ाइन बनाओ, तो लेफ्ट साइड से राइट मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड से बैलेंस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो गाइस अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपोजर मैचिंग। बहुत लोग क्या करते हैं डिजाइनिंग करने के बाद में जब डिज़ाइन खत्म हो जाता है मतलब एक पूरा पेज डिज़ाइन करने के बाद में सीधा उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं बट ब्राइटनेस लेवल के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। सो गाइस अभी मैंने यहाँ पे एक PSD फाइल ओपन कर दी है। अब आप अगर डायरेक्टली इस पेज के ऊपर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें सही लगेगी बट प्रोफेशनल वे से देखोगे तो क्या है, देखिए एग्जैक्टली ये जो फोटोज़ है इनका कलर सही है मतलब सारी चीज़ें सही है बट ये जो बीच वाला कलर ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है मतलब ब्लैक लग रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी फोटो सही है बट ये थोड़ा ब्लैक ज़्यादा लग रहा है बट बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है मतलब बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर का है और फोटोज़ के अंदर डार्क कलर है। अब ये तो कॉमन सी चीज़ है सब फोटो में थोड़ा थोड़ा डार्क बैकग्राउंड तो होता ही है। अब आपको करना क्या है, एडजस्टमेंट के अंदर आना है, यहाँ से कर्व टूल लेना है। कर्व टूल ले रहा हूँ, कर्व टूल लेने के बाद में यहाँ पे एक हैंड टूल होता है, क्या होता है हैंड टूल, उसके ऊपर क्लिक करना है और जो ब्लैक पोर्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है या फिर ब्लैक हो या फिर जो डार्क लग रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और जो माउस को मतलब क्लिक करने के बाद में माउस को छोड़ना नहीं है ऊपर की तरफ खींचना है, उससे क्या हो जाएगा वो जो ब्लैक पार्ट है वो ब्राइट हो जाएगा। क्या हो गया ब्राइट हो। अब आप बोलोगे यार तो ये तो पूरे फोटो पे हो गया, अब आपको इस लेयर को मास्क करना है। कंट्रोल आई कर दो पहले, वाइट जो मास्क है वो ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ। अब देखिए जहाँ पे भी मैं ये ब्रश यूज़ करूँगा वो वाला जो पार्ट है वो हल्का सा ब्राइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ा कम ज़्यादा आपको रखना है। ये देखिए पूरे फोटो के ऊपर कर रहा हूँ, आपको हर फोटो पे अलग अलग नहीं करना है। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा डार्क लग रहा है, ये भी सही है, ये हाथ थोड़ा सा डार्क लग रहा है। अब अगर बैकग्राउंड भी डार्क होता डिज़ाइन को तो चल जाता बट बैकग्राउंड ब्राइट है। अब यहाँ पे थोड़ा और डार्क लग रहा है, ये सही ओके। इन फोटोज़ के अंदर भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा है। अब आप अगर ऐसे भी घुमाओगे तो भी चलेगा क्योंकि वैसे भी ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, ये जो पीछे का वाइट है ये काम नहीं करने वाला क्योंकि हमने सिर्फ डार्क के ऊपर काम किया। अब मैंने यहाँ पे एक्सपोजर मैच किया हुआ है, अब इसका ओपेसिटी थोड़ा कम ज़्यादा करता हूँ। ये देखिए ओके, अभी देखिए अब मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये देखिए ये डिज़ाइन थोड़ा सा डार्क लग रहा है मतलब जो सॉरी यहाँ पे फोटो डार्क लग रहा है बट बैकग्राउंड ब्राइट लग रहा है बट ये मैच कर दिया मैंने। अभी आप देख सकते हो फोटो जो है पूरा फ्रेश लग रहा है मतलब पूरा पेज एकदम फ्रेश लग रहा है। अब अगर आपको इसको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम कर सकते हो, कम लग रहा है तो इसको बढ़ा सकते हो। देखिए बट ये है बिफोर, आपको ऐसा नहीं रखना है, आपको जो ब्लैक कलर है उसको थोड़ा अप कर देना है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा उस ऑलरेडी ब्राइट पार्ट है वो तो सही रहेगा बट जो डार्क पार्ट है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। सो गाइस अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रुपिंग। बहुत लोग क्या करते हैं जब भी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं जब लेफ्ट साइड के फोटोज़ को और राइट साइड के फोटोज को सभी का लेयर मिक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है जब आप उस PSD फाइल को वापस यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर वही PSD फाइल आप किसी को दे रहे हो अपने फ्रेंड को दे रहे हो या फिर आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया अगर आपको वापस उसको रीयूज़ करना है तो ईजी हो, इसलिए आपको क्या करना है लेफ्ट साइड के ब्लॉक्स को मतलब लेफ्ट साइड के डिज़ाइन को टेक्स्ट को और उसी के साथ फोटोज़ को अलग ग्रुप पे मतलब अलग ग्रुप में डाल देना है और राइट साइड को अलग ग्रुप में डाल देना है। अब जो उसके बाद में सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हूँ वो है बेसिक्स। अगर आप एक एल्बम डिज़ाइनर हो तो आपको एल्बम डिज़ाइनिंग के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब एल्बम डिज़ाइनिंग के साइजेस क्या होते हैं, कहाँ से कितना स्पेस छोड़ना पड़ता है, लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना पड़ता है, राइट साइड से कैसे छोड़ना पड़ता है, डिज़ाइनिंग के कौन से टाइप्स होते हैं, फोटो बुक क्या होता है, करिश्मा एल्बम क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। कलर के बारे में पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, उसी के साथ साथ कलर व्हील क्या होता है, प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है, टर्टरी कलर क्या होता है, शेड्स क्या होता है, टोन्स क्या होता है, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो गाइस एल्बम डिजाइनिंग के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप नए हो तो उस एक ही वीडियो को देख करके आप पूरा एल्बम डिजाइनिंग का काम एटलीस्ट मतलब स्टार्ट भी कर सकते हो और अच्छे वे से अच्छे प्रोफेशनल वे से भी कर सकते हो। उसके अंदर मैंने कहीं आपको प्रीसेट्स बताए हैं, उसी के साथ वेबसाइट्स भी बताए, बहुत अच्छा वीडियो है और हमारे चैनल का सबसे ज्यादा व्यूज का वही वीडियो, तो जल्दी से जाकर देखो। उसके बाद में अगर आपको कलर्स के बारे में वीडियो चाहिए, प्राइमरी कलर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, शेड्स क्या होते हैं, टोन्स क्या होते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको वो वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको कलर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप बेसिक से लेकर मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है एल्बम डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है बट आप कलर्स का ज्यादा ध्यान रखते हो तो आपका ऑटोमेटिकल एल्बम बहुत अच्छा बनेगा।
सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको आने वाले वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो 100% आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो, उसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो टेलीग्राम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आने वाले नए नए मतलब ट्रेंडिंग PhD वगैरह अपलोड करते हैं, प्रीसेट्स वगैरह अपलोड करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपके लिए कोई तो इंपॉर्टेंट नोट है, न्यूज़ है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर का लिंक वगैरह डालना है तो मैं वहां पे पोस्ट करता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, तो वहां से आप चेक करो। इंस्टाग्राम सबसे पहले जो आपको यूट्यूब के वीडियो का अपडेट मिलेगा वो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, तो वहां से भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। और हर संडे को हम लोग क्वेश्चन आंसर का लाइव सेशन करते रहते हैं, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बार फिर से रिमाइंडर दे देता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा एल्बम डिजाइनिंग का मास्टर क्लास नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो, ये है एल्बम डिजाइनिंग का मास्टर क्लास। और अगर आपको रिटचिंग के बारे में पूरा सीखना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करिए, जाइए जाइए, जल्दी जाइए। गुड बाय।